हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नेचर इज ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम गुलाब की कटिंग कैसे लगा सकते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको अपने कुछ न्यू प्लांट्स दिखाना चाहती हूँ जो मेरे हस्बैंड अपनी पसंद से लेकर आए हैं। ये देखिए, एक ये है मनी प्लांट, ये बड़े पत्तों की है। मेरे पास से ये मनी प्लांट थी नहीं, और एक ये है, ये देखिए, एक ये पौधा है, और एक ये है क्रोटन, और ये दो एरोकेरिया के प्लांट हैं, और एक ये है डेफनवेकिया की, ये कोई वैरायटी है दूसरी। ये देखिए, एक पहले थी मेरे पास और ये नहीं थी, तो ये मेरे चार पांच न्यू प्लांट्स आए हैं। ये देखिए, और ये मेरे गुलाब के तीन पौधे हैं, आज हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, एक ये है, एक ये रहा, ये देखिए, और एक ये रहा। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, इसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, ये बर्ड्स खिली हुई है, एक ये खिली हुई है, और एक देखिए ये खिली हुई है, और फूल भी आ रखा है। मगर इसमें देखिए, ये जो फूल खिला हुआ है ये एकदम पतला पतला सा है, कजी नहीं है। तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए भी हम इसकी कटिंग करेंगे, और ये जो कटिंग है ये अक्टूबर से लेके हम फरवरी तक लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम ये ठंडा मौसम होता है। और ये जो गुलाब की कटिंग है ये ठंडे मौसम में ही लगती है, क्योंकि अक्टूबर में थोड़ी ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, और जहाँ पर ठंडे इलाके हैं वहाँ तो इसकी कटिंग कभी भी लगाई जा सकती है। तो चलिए हम अब कटिंग करते हैं। देखिए, हमने ये जो कटिंग करनी है ये हमने तिरछी करनी है, और ये जो पत्ते हैं ये निकाल देने हैं। देखिए, ये हमने इतनी कटिंग कर दी। देखिए हो गई, और ये सारी हम कटिंग कर देते हैं इसकी। ये देखिए, इसको मैं सारा गंजा कर दूंगी, तो इसमें अच्छी ब्रांचेस आएंगी। देखिए, ये मैं इसकी सारी ये कटिंग कर दूंगी, जिससे अच्छी ब्रांचेज आएंगी सारी। देखिए, और ये जो कटिंग हमने करनी है ये थोड़ी तिरछी करनी है, ऐसे करके। देखिए, ये देखिए, इसकी कटिंग तो मैंने सारी कर दी है। अब हम दूसरे पॉट की कटिंग करते हैं, जो मैंने अभी ऊपर से उतारा है उस तरह। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये सारी कटिंग हो गई है, ये फेंक देंगे। अब दूसरे पौधे की कटिंग करते हैं, और फिर कटिंग को हम कैसे लगाते हैं ये देखिए। हम इस पौधे की भी कटिंग करते हैं। देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है, मगर कटिंग करना जरूरी है अच्छी ग्रोथ के लिए। और जो कटिंग है हमारी,
हमें ये ब्राउन कलर की नहीं लगानी है क्योंकि ये हार्ड होती है, और हमें जो कटिंग लगानी है ये ऐसी लगानी है, ग्रीन वाली, ये जल्दी ग्रो होती है, और ऐसी ग्रीन लगानी है, ये देखिए ये वाली। सारी कटिंग कर दी है, ये देखिए, ये तो मेरा हो गया अलग कटिंग का प्लान। अब हम कटिंग को कैसे लगाते हैं ये दिखाती हूँ। देखिए ये मेरी जो गमले में से मैंने कटिंग करी है, मैंने ये निकाली है उसमें से, और ये देखिए ये थोड़ा सा ये तिरछा कटता है, तिरछा काटना है। और एक कटिंग मैंने अपनी फ्लावरिंग वाली काटी है, ये देखिए इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी। और ये जो कटिंग है हमारी, हाथ से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, 5 इंच या 6 इंच, और ये एक गमले में हम 3 से या 5 कटिंग लगा सकते हैं, ये देखिए। और हमें ये कटिंग कैसे लगानी है, ये हमें ऐसे उल्टी नहीं लगानी है, ये हमें हमेशा देख के लगानी है कि जो ये आंख होती है ना, ये जो आंख दिखती है तो ये ऊपर होनी चाहिए। और अब हम इसको लगाते हैं एक पॉट। ये कटिंग लगाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके रूट्स में हम रूटिंग हार्मोन, या फिर घर में अगर रूटिंग हार्मोन्स नहीं है हमारे हैं तो दालचीनी का पेस्ट होता है जो पाउडर, उसको भी हम लगा सकते हैं किचन में से लेके, और इसमें हम शहद भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसको ऐसे ही लगाती हूँ। देखिए ये ऐसे लगाई, ठीक है, और ये थोड़ी सी मेरी सीधी है तो इसको हमने थोड़ा सा तिरछा काट लेना, ये देखिए ऐसे, और ये हमने ऐसे लगा दी, ठीक है, एक ये लगाई, देखिए इसको भी तिरछा काट लेंगे ऐसे, और ये लगाया, और एक ये देखिए, ये फूल वाली लगा दी ऐसी, और एक ये, और मैं हमेशा ऐसी ही लगाती हूँ, जिससे मेरे पास सिर्फ पहले एक ही पॉट था और 3 पॉट हैं मेरे पास, और अब ये मैंने कटिंग लगाई है, अब ये मैंने 6 कटिंग लगाई है, और मेरी ज़्यादातर सारी कटिंग लग ही जाती हैं, और ये लग जाएंगी तो मेरे 4-5 पॉट और तैयार हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम पानी दे देंगे, और इसमें हमें कोई खाद नहीं डालनी है, और इसमें कोई हमने फर्टिलाइज़र नहीं डालना है अभी, और जब ये पौधे हमारे जम जाएंगे हम इसको अलग पॉट में लगाएंगे, तब हमें इसमें कुछ डालना है खाद वाद, और अभी इसमें हमें कुछ नहीं डालना। और ये जो मेरी मिट्टी है, ये मेरी गार्डन की मिट्टी है, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला है, बस ये मेरी गार्डन मिट्टी थी और मैंने ये करा है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जैसे और हम पॉट में डालते हैं पानी, ऐसे ही इसमें हमें नमी रखनी है, और इसको हमने सूखने नहीं देना है, ये पानी डाल देते हैं, और ये इसके 2 दिन के बाद इसमें हमने पानी डालना है, और इसमें हमें नमी बना के रखनी है हमेशा, और इसकी 10-15 दिन बाद इसकी ग्रोथ अपने आप होने लग जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने ये लगाया है, देखिए दोस्तों, अब आपको भी पता चल गया होगा कैसे हम कटिंग को लगा सकते हैं गुलाब की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए और शेयर करना ना।